ओम शांति 14 सितंबर 2018 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। गीत, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं, इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी इनके बन जाने अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीवात्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई फुकराज परी, कोई नीलम परी है। नाम तो बहुत है, यह भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते ही, सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। यह बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटो में कोई ही जानते हैं, जो परवाने हैं वही जानेंगे, जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। यह तो समझाया गया है, यह है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ, पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मंडवे में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्होंने ऊपर दिखाया हुआ है, फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियां निकलती हैं, फिर पत्ते।
बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती, कहती है हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक-ठक कितनी है, लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, कहां ना कहां लड़ते झगड़ते रहते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है, युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे, आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े ही था, सब इकट्ठे थे, गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे, जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी हैं, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं, दो टुकड़े हो गए हैं, दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं, ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़े ही पाप लगेगा, हम साक्षी हो देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले हैं, कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलिडे आदि करते ही, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है, अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे, यह राज तुम बच्चे ही जानते हो, नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए, यहां कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा, तुम तो साक्षी हो देखते हो, इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पार्ट बजाने के लिए, तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक, अब खुशी का पारा चढ़ रहा है, फिर कोई का कम कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई की भी नहीं चढ़ता, जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे, मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, मात पिता की सर्विस करते ही, ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जास्ती है, तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा, बट्टी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली, आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है, यहां भी ऐसे ही बड़ी जायदाद देनी पड़ती है, मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन, एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी, तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए, 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है,
फिर 108 है। नाम भी है महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है, वह कुछ भी देती है, तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचेता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है। कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। जो कायदा चला है वही चलेगा। वहां की रसम रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है। यहाँ ट्रांसफर होती है तो ब्राह्मण, गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रसम रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं हैं। आगे बच्चे मातृस्नेही होते थे, अब तो मातृद्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी, मातृद्रोही। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। यह ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना? तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती हो। यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगदम्बा सरस्वती। उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उसकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं। पहले सागर, फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना? तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो जरूर वह ठीके हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिवबाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चिया जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्जन्स लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्जन्स नहीं है। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रतन मिलते हैं, जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो। फिर सत्युग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं। दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को
हमेशा भुला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा न कोई। परंतु कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम कृष्ण की राजधानी में थे। अब इस कंसपुरी को कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरीपुरी से फिर दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है पांच विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है, गवर्नमेंट भी मनाती है, रामलीला करते हैं। परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है। परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते, उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद करे। बहुत हैं जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खलास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है। लकी सितारे कहाँ जाता है? बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पाठ है। बाप कहते हैं मुझ बिंदी में यह पाठ है, जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पाठ है, क्योंकि तुम ऑलराउंड चक्कर लगाते हो, तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, तुम ही पाते हो। मेरा पाठ तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामानुसार, जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पाठ है। वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है। इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ। परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में वह भी नोंद है। ड्रामानुसार सबको पाठ मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं, जो मुझे जानते हैं मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं
उस महफिल में बैठ क्या करेंगे, तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे, क्षमा के साथ महफिल तो यहां है। कोई फिदा होते हैं फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है, जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है, कर्मातीत अवस्था संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा, यह पुरानी खाल है, आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है, दूसरा, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है, सर्विस में तत्पर रहना है, वरदान सोचना कहना और करना इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं, संपन्न बनने के लिए सोचना कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.